का रश्मि चौधरी के ब्लॉग में, तो उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है नवरात्रि का सातवां दिन और हमारी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और अभी आज मैं अकेले होने वाली हूँ अपने घर में और मेरी रूममेट बना रही है चाय। क्या बात है, आज तो उसने भी पूजा की है, आज मेरी जगह उसने जिया ने पूजा किया है। इधर बन रही है हमारी चाय। आज मुझे कप भर के चाय पीने का मन था, इसलिए ज्यादा बनाई है। ओके। अरे वो तुम्हारा वाटरमेलन खा के जाना, नहीं तो खराब हो जाएगा। एक घंटा तुम्हारे पास भर भर के जाओ, नहीं तो डब्बे में काट के लेके जाना। सोच रहे सीधा खा नहीं पाऊंगी तो सारा डब्बे में कैरी करके जाऊंगी और तुम्हारे लिए थोड़ा। फ्लाइट में खा लेना आराम से। तो बस चलो, और अभी हमारी पूजा हो गई है तो माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप भी। जय माता दी। और पता है गाइस, हमारे घर में दो दिन से पूजा नहीं है, हमको ये पता ही नहीं है। कल शाम को मैं गूंज के है ना, कल शाम को मैं गूंज के घर से आई थी तो मैंने आके पूछा, मैं पूजा घर पे नहीं है क्या, क्योंकि वो कल से दिख नहीं रही है। डरी हुई हूँ कि वो बंदी अंदर कहीं बंद है क्या। तो मतलब हम लोग कैसे हैं यार यहाँ पे, मतलब सोच रहे हो कि मुंबई में मतलब ऐसा होता है कि मतलब हमारे घर में कौन है कौन नहीं है, हमको ये अपडेट नहीं रहता। सब लोग एक्चुअली क्या है, सब लोग बस अपनी अपनी चाबी है, ठीक है। और सबके अपने अपने अलग काम है, तो जैसे उनका अप डाउन बहुत ज्यादा होता है पूजा का। तो हमको लगा शायद, आई थिंक उनकी एक दिन तबियत भी ठीक नहीं थी, तो हमको लगा कि वो अपने बेडरूम में ही रेस्ट कर रही है, बट हमको पता ही नहीं है कि वो घर पे ही नहीं है। हम उनकी हेल्थ की वजह से हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और पता चलता कि वो है ही नहीं, है ही नहीं। यार सच में मतलब इंसान की अगर हेल्थ खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो इंसान तो अकेला पड़ा रहेगा अंदर, जब वो खुद नहीं बोलेगा आगे। नहीं वो उनको जाना, हमको तुम्हें कंफ्यूजन था, मुझे मैं थोड़ा डेट कंफ्यूज थी, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जाने वाली हूं, बोला था उसने, बोला तुम जा रही हो परसों मैं जा रही हूं, मैंने बोला ओके, तो शायद उनको पहले आ गया होगा। हां तो पहले निकल गया, अर्ली मॉर्निंग निकल गए होंगे ना, हम सो रहे होंगे तो निकल गए होंगे। तो ये हाल है गाइस हमारे, मतलब जो बैचलर लोग रहते हैं ना, वो उनकी ये हालत होती है। फैमिली वाला अगर एक घंटे के लिए बच्चा इधर उधर हो गया ना, कहाँ है, कवारा है। मतलब जैसे हम लोग घर पे होते ना, मम्मी पापा, खासकर हमारे पापा, कितनी देर हो गई, एक घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, मैं तो अपने कहीं जाती नहीं हूँ घर पे जाके। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सब लोग ना चाहते हैं कि कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज सबके अपने अपने काम होते हैं, कौन किस टाइम सो रहा है, किस टाइम उठ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ना कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता एक दूसरे को। तो हम उसी कंफ्यूजन में थे कि वो घर पे है, लेकिन वो नहीं थी, दो दिन से घर पे नहीं थी। मैं तो डर गई, मैंने बोला क्या हो गया, उसकी तबीयत खराब थी तो ये दिख नहीं रही है मुझे। तो ये हाल है। और गाइस अभी आज मेरी कल से थोड़ी सी तबीयत डाउन है, मेरा फेस आपको बता रहा होगा, मेरी आईज आपको बता रही होंगी, और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अकेले रहने वाली हूँ घर में। जल्दी आना, बस इसके पास में सिर्फ पौना घंटा है, पौना घंटे के आसपास ही इसके पास में, उसको इसी टाइम में चाय भी पीना है, वाटरमेलन भी खाना है, निकलना। वाटरमेलन तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं कट करके डब्बे में भर के लेके जाऊंगी, या तो बीच रास्ते में खाऊंगी। हाँ वाला ले जाना डब्बे में। तो चलो गाइस अभी इनका टाइम ज्यादा टाइम नहीं लेते, टाइम कम है तो नहीं बाबा, तो चलो चाय पी लेते हैं। तो गाइस हमारी जिया जाने लगी है, और आज इसने जाने से पहले ना, लड़के सच में बहुत लेट कर आती है, मतलब ये इसने जिया ने बता दिया, ठीक है। क्या लेट कराया बताओ? लेट नहीं कराया, बता दिया, ऐसा बोल रही हूँ कि मतलब लड़के सच में लेट कराती है, मतलब बंदी इसकी फ्लाइट है, ठीक है, तो बोली यार एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अच्छा है या ये अच्छा है, थोड़ा इधर लाइट नहीं है, ये अच्छा है या ये अच्छा है, मतलब बार बार चेंज कर रही है। चेंज किया मैंने, बस चेंज, मतलब मैं नहीं करती ऐसे, फैशन के उसमें हूँ, फैशन वीक में हूँ, चलो चलो लेट मत करो, लेट हो जाएगा, फ्लाइट छोड़ गई ना, मैं लाइफ के उसमें यही बैठ जाऊंगी, मेरा ब्लॉग चल रहा है, चलो ब्लॉग पे लेते हैं अपना काम। बाय बाय, हैप्पी जर्नी, जल्दी आना। कितने, चार दिन, पांच दिन, कितने दिन के बाद आओगी? जल्दी आ जाऊंगी यार, मैं इसलिए कमिटमेंट दे पा रही हूं बिकॉज़ ऑफ द फैमिली। या बट ट्राइंग,
मैं फास्ट आउट क्योंकि मुझे भी वहाँ नहीं रुकना है, मैं रुक जाती हूँ फिर नहीं उसी में ढल जाती हूँ, हाँ मम्मी पापा के साथ अच्छा लग रहा है मुझे ये बात तो है, इसलिए मैं ट्राई करूँगी जल्दी आऊँ। चलो बाय बाय बाय, हैप्पी जर्नी, थैंक यू। बैठ के मेकअप कर लेना, इसने मेकअप नहीं किया, लेट हो रहा है इसीलिए। बहुत टाइम है मेरे पास, मैं अच्छा तो चलिए गाइस, जिया भी चली गई है और अभी हम पूरे घर में अकेले हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, अकेले बोर हो जाऊंगी तो मैं अभी सोच रही हूँ, मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है और सोच रही हूँ कि पहले ये कैमरा बंद करती हूँ। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि घर पे अभी मैं बोर हो जाऊँगी अकेले, तो मैं मुझे वही एडिटिंग का काम करना है और तो कोई काम आज हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील ज़्यादा हो रहा है इसीलिए, और मैं सोच रही हूँ कि मैं भाई के पास चली जाती हूँ, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना बना दूँगी, क्योंकि उसके ना 4-5 दिन से फीवर नहीं जा रहा है उसका, फीवर कोल्ड और खांसी हो रखी है, इतनी गर्मी में सोचो कोल्ड मतलब खांसी और बुखार हो रहा है सोचो, तो बस अभी जाती हूँ उसके लिए कुछ खाना बना दूँगी और वहीं पर बैठ कर अपना काम भी कर लूँगी क्योंकि यहाँ पर वैसे भी मैं बोर ही हो रही हूँ अकेले, और अभी मेरा 2-3 दिन 4-5 दिन ऐसा ही जाएगा जब तक इनमें से कोई सा आ नहीं जाएगा, पूजा या जिया कोई सा आ नहीं जाएगा तब तक मेरा यही होने वाला है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही दिखूँगी, क्योंकि वही होता है कि एक फैमिली माहौल रहता है और फिर वहाँ पर अकेले रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता है, तो बस इसीलिए तो बस अभी मैं जाती हूँ और भाई के पास जाके मिलते हैं आपसे पहले। तो गाइज यहाँ पर आ गई हमारी माही मैडम, हाय कैसे हो, बहुत टाइम के बाद। हाँ बहुत के बाद इस मतलब यस पहली बार वेलकम है आपका धन्यवाद इसके घर में, इसका वेलकम है, वेलकम कर रही है यस मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग में यस, अरे क्योंकि दोनों मेरे घर है, मेरे दोनों घर है भाई मुंबई में, दोनों घर है एक उस साइड एक इस साइड, हाँ मैं जगह नहीं बताऊंगी यस yes. एक नदी के इस पार एक नदी के इस पार, हाँ और गाइज यहाँ पे खाना बन गया है, यहाँ पे ही अभी दाल बन रही है और इसमें यार भिंडी और इधर मैंने रोटी बना दी है सबके लिए, बस मेरी हालत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई खाना बना के, क्योंकि ना ऑलरेडी मेरे ऐसे चक्कर से आ रहे थे और गर्मी के मारे ना और ज़्यादा हालत ख़राब है, देखो दूर जो इंसान देखता है ना सो रहा है, तो बस चलिए अभी फ्री हुई हूँ 2 घंटे के बाद, बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अब मैं वाटरमेलन कट करूँगी मैं वो खाऊँगी भाई, हमारी हमारी बहुरी आ गई है चाय लेके, हमारी मम्मी ने कुछ भी हो बहू तो हमारी बहू है बहुत अच्छी, देखो चाय पिला देती है हमारी बहू। गाइस ये जो गाइस आपने एक दिन मेरे व्लॉग में देखा होगा जो ये बोल रहा था ना माही ये थी माही वो थी, आई थिंक ये तू व्लॉग में बोल रहा था ना, हम लोग एक शूट पे मिले थे पहली नजर में ऐसा लगा था वैसा, गाइस ये वही माही है मुझे याद नहीं आ रहा, कभी तो बोला था इसने, कभी तो बोला था या फिर याद नहीं आ रहा है, नहीं तेरे सामने नहीं बोला था, तू नहीं थी, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा कब बोला था, ठीक है तो ये बोलता है कि हम लोग एक शूट पे थे माही आई थी, चाय अच्छी हमारी बहू अच्छी बनाती भाई, हाँ तो ये बोलता है हम लोग एक शूट पे थे, एक पूरे शूट में मुझे एक ही लड़की अच्छी थी, मतलब कुछ तो अलग थी वो, और एक आज है और एक आज है और आज तो उसने पता नहीं अपना वो क्या बना लिया है, और उसको देव नहीं छोड़ रहा था, देव आगे पीछे घूम रहा था, तो कुछ चक्कर भी नहीं था, हाँ ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना हंसी की बात ये मैं अखिलेश और आज अपन ये कौन है, राज नहीं था सर अखिलेश, अखिलेश बोलता है
भाई होगा उसका चूतिया। हाँ देव को बोलते हैं इसका भाई होगा। और मैंने देव से पूछ भी लिया क्या ऐसी दोस्त। हाँ फिर शांति, फिर तो कुछ कुछ हो सकता है। फिर इसको तबीयत तबीयत खराब थी। तबीयत नहीं, वोमिट वोमिट हुआ था। मुझे नीचे खिला दिया वो, और मुझे ना प्रॉब्लम में पहली बार मेट्रो पे वो हुई थी, पता है मैं मेट्रो से कभी पहली बार मेट्रो के अंदर गई थी मैं। और तो इतना वोमिट डिनर में लगा। मतलब तूने एक ही नजर में इसको पसंद किया सेम डे, और सेम डे तूने फेल भी कर दिया। मतलब अगर उसको वॉमिटिंग हो गया तो छी हो गई। मतलब ये क्या है, एक पल में तुझे पसंद कर लिया। क्या क्या कौन सा लव? दिल फेंक लव, थूक लगा के। गाइज यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं अभी। आज हमारे घर में पूजा कर रही है हमारी कोमल। सुबह को निकिता को बुलाया है, मतलब अभी अभी भी बुलाया था, मैं दो तीन लोगों को बोला है पता है। जो टाइम पे आ जाए पूरे घर में निकिता। फिर वेट वेट, फैन बंद करना पड़ेगा। हाँ फर्स्ट सेकंड सेकंड यस। अब जय हो माता रानी, कृपा कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हम सब पर। ये हमको भी दूर से दे दो। नहीं वो उसकी तबीयत खराब। क्या खुशबू होती है यार, अलग ही। गाइस मेरा खाना कंप्लीट हो गया है, जो कि मैंने बनाया था घिया की सब्जी, कुट्टू की रोटी और साथ में छाछ। और माता रानी को कोमल ने शाम को ही लगवा दिया था जब कोमल पूजा करने के लिए आई थी तभी। और बस आज मेरा ना कुछ भी काम नहीं हो पाया है, क्योंकि सुबह से ही ना पता नहीं क्यों चक्कर आ रहा है। मतलब एक होता ना वीकनेस की वजह से आ रहा है, वीकनेस लग ही नहीं रही है मुझे बिल्कुल भी, पता नहीं या तो गर्मी की वजह से या क्यों, समझ ही नहीं आ रहा। सुबह से कब 4-5 बार ऐसे लग रहा था कि अभी गिर जाऊंगी वैसा वाला। तो बस जैसे भी था, और मेरा एक तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है 4-5 दिनों से, जब से सुमी गई है तब से तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। मतलब कल वीडियो बन गया था मेरा, कल तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, वो तो गोंस ने बुला लिया था तो इसीलिए मेरा 2 वीडियो बन गया, अदरवाइज वो भी नहीं बन पाता। और परसों भी 2 ही वीडियो बनाता हूँ, तो अभी इतनी गंदी आदत होगी जब तक पर डे की 7-8 वीडियो नहीं बनती है ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब पूरा दिन वेस्ट हो गया ऐसा लगता है। तो बस अभी यार पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, जब तक कुणाल और सिमी नहीं आ जाएंगे तब तक मुझे लग रहा है ऐसा ही रहने वाला है। और बस बाकी का देखते हैं। और हाँ गाइस, मैंने आपको बोला था कि मैं मतलब जल्दी आपके लिए कुछ लेके आ रही हूँ, न्यू बताऊँगी कुछ दिन में। मैंने अभी तक नहीं बताया है बिकॉज उस काम में थोड़ी सी देरी चल रही है बिकॉज चल रही है। तो बस अभी देखते हैं, जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी वैसे ही मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी, पक्का प्रॉमिस, बट आ रहा है ये सच है। और देखते हैं बाकी कब बताती हूँ, कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द इसी वीक में, मतलब अभी कल क्या है ट्यूसडे, हाँ तो कोशिश करूँगी कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही क्लियर कर लूँ। और बस अभी इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलने लग गई हूँ, बहुत गंदी आदत पड़ गई है मुझे बोलने की। तो बस इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे हो लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।